गरीब, 70 कनाल वाला गरीब, 100 कनाल वाला गरीब, 300 कनाल भी है एक ही। खसरा नंबर 5, खसरा नंबर 3, खसरा नंबर 12, 70 कनाल, 80 कनाल, 90 कनाल, नाम नहीं बोलूंगा, नाम उसका बोलूंगा जब उसके गधे पे चढ़ा करके घुमाऊंगा। नहीं नहीं, आपकी नजर के अंदर सरदार सुनिए सुनिए कोई कोई अगर अगर तो अगर 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 गरीब का विषय के अंदर सुनिए बात करें। गुप्ता जी किचलू कोई है? मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, 70 कनाल 3 कनाल मैं उनकी हिमायत बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कर गुप्ता जी पहले सुनिए। बठिंडी के अंदर एक कार्यालय है एक पार्टी का, वो उस पर भी वही जमीन है। कल जो जुलूस निकालने वाले लोग थे उनमें कितने समर्थक ऐसे थे जिनकी जमीनें हैं बीच में। ये फैसला जो है उस गरीब के ऊपर एक कयामत जैसे टूट पड़ेगा, आप नहीं मानते इस चीज को? कब्जा करके गरीब कब्जा करेगा? गरीब कब्जा नहीं, मुझ में तो हिम्मत है, मैं किसी का नाम बता रहा हूँ। आप तो एक, आप में तो हिम्मत ही नहीं है, आप किसी का नाम थे? अरे इतनी सरकारें थी, किसी ने दम भरा? नहीं भरा, कोई तो आया, अब उसका नाम नहीं लेते। जो नाम सरकार को छूट गए आप बता दीजिए कौन कौन से नाम है, समय आने पर जरूर बोले। किसी का स्कूल चला रहा है, कोई 5 लाख रुपया किराया ले रहा है। ओहो। अरे पीले वाला हो, नीले वाला हो, सब्ज वाला हो, लाल वाला हो। नाज़रीन, हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा जो है सादिर किया गया है तमाम तर उन लोगों के लिए जिन्होंने गाशराई और स्टेट लैंड पर कब्जा जमाए रखा है। तो वही कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें जो है इस ऑर्डर को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, कई सारे लीडरान का नाम भी आया है। फिलहाल डोगरा फ्रंट के लीडर हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए अशोक गुप्ता जी, इनके पास भी क्या तफसीलात है आगे जानते हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहूँगा, कई सारे बड़े लोगों का नाम इस लिस्ट में आया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या सभी लीडर्स इसमें शामिल हो गए कि और भी कुछ बाकी है? बड़े लोग अभी बाकी हैं, उनके चर्चे भी होंगे और उनकी लिस्टें भी बाहर आएंगी। और जो बार बार हम गरीब शब्द को कह करके पुकारने का प्रयास करना चाहते हैं वो मैं समझता हूँ सरासर गलत है। अभी जो कार्रवाई हो रही है वो अमीरों पर होगी, बड़े लोगों पर होगी, और इसको छोटा नाम दे करके, प्रोटेस्ट करके, जुलूस निकाल करके, गरीबों की आवाज़ को आगे बुलंद करके हम इसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इस सरकार के फैसले का खैर मकदम करते हैं? डाकू कोई भी है, कितने, मैं क्या फैक्ट्स आपके सामने रखने का प्रयास करूं, कुछ बातें आहिस्ता आहिस्ता खोलने की बातें करूं। दो डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ, अनगिनत, वो गिनती नहीं आ रही, कोई लिमिट ही नहीं, सीमा ही नहीं, और सब मैक्सिमम सियासतदान, कोई एक पार्टी का, कोई बी पार्टी का, हरी पार्टी, कोई पीली पार्टी, कोई नीली पार्टी, कोई लाल पार्टी, तो कहाँ गरीब? जो गरीबों के विषय के अंदर बात कर रहे हैं, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, गरीब कितने हैं, सियासतदान कितने हैं, बड़े लोग कितने हैं, सरमाएदार कितने हैं, 70 कनाल वाले कितने हैं, 80 वाले कितने हैं, 100 वाले कितने हैं, 300 वाले कितने हैं, और गरीब कितने हैं, बिल्कुल सेपरेट कर रहा हूँ। फिर गरीबों को विषय के अंदर विचार करने का प्रयास करेंगे, लेकिन गरीब 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 और उसको छिपाने का प्रयास होगा अमीरों को? एक बंदा नया नया पीएचई का मुलाजिम था, 70 कनाल जमीन, बहुत की बात कर रहे हैं, बड़ा स्कूल, कहाँ की बात, बातें भी करेंगे, खसरा नंबर बोल देता हूँ 364। ये कहाँ पे है? ये भी खोलेंगे? नहीं, ओपन करके बोलिए, दुनिया को बताइए, सब आपको ओपन, भैया ओपन समय, अरे मैं देख ही रहा हूँ, पर्दे के पीछे क्यों रख रहे हैं आप? जब बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बुलाया, देखने के लिए बुलाया है ना? बिल्कुल, या मैंने चेहरे को छिपाने के लिए बुलाया है? बिल्कुल नहीं, आज आप चोरों को बेनकाब करें ना, सब आपको देख रहे हैं, चोरों को बेनकाब, आज तो मौका है, आज तो सरकार आपके साथ है। कौन सरकार? सरकार साथ है, कभी किसी किसी के साथ नहीं होती सरकार, किसी के साथ नहीं होती सरकार, तो पर्दा हटा रही है, अरे हटाती, सारे बड़ों का नाम भी आया, कारें और भी थी ना जी, कहां थी पीडीपी की सरकार, कहां थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, कहां थी कोलिजन सरकार? आज किसी ने तो दम रखा, बिल्कुल, अब दम रखा है तो बातें बिल्कुल, मैं तो जमीनी हकीकत पर खड़े होकर के, मेरा अगला कार्यक्रम क्या है कि अगर कठुआ के अंदर कुछ लोगों की जमीन है, जमीन के बीच में जाऊंगा, ये 80 करनाल जमीन, और इस जमीन को कवर करके रखा हुआ है,
कोई इसका मालिक है कि नहीं है, नहीं है तो आकर के इसको पकड़ो। तो आप खुद जाएंगे इन जगहों पे जहां पे जाऊंगा, कब्जा किया हुआ? बिल्कुल जाऊंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं। तो इनसे कोई डर वर नहीं लग रहा है आपको, जो ये लैंड माफिया है? क्या डरना, मैंने क्या करेंगे मुझे, ये क्यों डरना? चोर को डरना चाहिए कि साध को डरना चाहिए? मेरे कुर्ते के ऊपर अगर दाग होगा तो मुझे डरना चाहिए? गुप्ता जी, आज तक की हिम्मत क्यों नहीं आई, आज कैसे आप इसको हिम्मत आई? आप मेरे बारे में जानते क्या हैं? कब आए मेरे से बातचीत करने के लिए? मेरे परिचय है आपके पास जी? मेरा इतिहास खोल करके रखना और फिर मेरे से बात करना? आज आप नए नए हैं इस सारे माशरे के अंदर, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, आपको जानकारियाँ बड़ी कम है, पहले जानकारियाँ हासिल कर लो फिर बात करो। आप मुझे कह रहे हो कि आप अभी क्यों आए, आप क्यों आए अभी, आप कहाँ थे? गरीब के नाम पे सुनिए। आज जो सरकार कह रही है कि सबसे पहले गरीबों पे कार्रवाई होगी, आज जो गरीबों का लिस्ट निकला है, हर एक जिले में डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि 31 जनवरी तक जितनी भी जगह है, उन्होंने ये नहीं कहा है किसी ने 2 मलरे 3 मलरे खाए हैं, उन्होंने कहा है जितने भी लोग हैं, आप क्या उन लोगों के साथ है? आप सरकार के इस फैसले के साथ है? अगर किसी गरीब का 4 मलरे का मकान तोड़ दिया जाता है, एक तरफ जहां सरकार PMAY स्कीम चला रही है गरीबों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, आप नहीं मानते हैं कि गरीब पर रियायत होनी चाहिए? ये फैसला जो है उस गरीब के ऊपर ही कयामत जैसे टूट पड़ेगा, आप नहीं मानते इस चीज़ को? कब्जा करके गरीब कब्जा करेगा? गरीब कब्जा नहीं कर रहा है, सरकार अगर स्कीम चला रही है एक तरफ से, सरकार अगर एक तरफ से स्कीम चला रही है, स्टेट लैंड है कि नहीं है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? कौन गरीब? 70 कनाल वाला गरीब, 100 कनाल वाला गरीब, 300 कनाल भी है एक ही? नहीं, मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, 70 कनाल 3 कनाल मैं उनकी हिमायत बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कर गुप्ता जी पहले सुनिए वाला है, चाहे 2 मरले वाला है, चाहे 100 मरले वाला है, चाहे 300 मरले वाला है, भाई उन चोरों पे होनी चाहिए ना जिन्होंने ऐसी क्वांटिटी में जमीन खाई है, 100 मरले 200 मरले 300 मरले, ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए ना? तो दिखेगी ना आपको, उनके नाम तो फिलहाल आई भी है। किसने बोला? जम्मू का हाल क्या है? किसने बोला आपको? फिलहाल तो गिने चुने नाम आ गए। प्रोटेस्ट कर आप थे उसमें जी? मैंने तो नाम भी बोले, आज बोल दिए ना नाम, आज तो हम आए हैं आपके पास, आज आपके सामने आप नाम बता। अरे बाबा, जो सरकार को नाम छूट गए है, जो नाम सरकार को छूट गए, आप बता दीजिए कौन कौन से नाम है, समय आने पर जरूर बोलेंगे। आज तो समय है गुप्ता जी, आप थोड़ा मुझे बताएंगे समय कब है? समय है, आप नहीं मुझे बताएंगे, आज समय है, वो मेरा फैसला है, बता दीजिए। अरे भाई साहब, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, आपका जो फैसला है, नहीं कहने मैं 364 नंबर खसरा दे रहा हूँ आपको, ये लो, उसके बाद में खसरा दे रहा हूँ मैं आपको, खसरा नंबर 3.19, खसरा नंबर 5, खसरा नंबर 3, खसरा नंबर 12, 70 कनाल, 80 कनाल, 90 कनाल, नाम नहीं बोलूँगा, नाम उसका बोलूँगा जब उसके गधे पे चढ़ा करके घुमाऊँगा। तो नाम किस लिए छुपाना? मेरी मर्जी है, जब क्वांटिटी आप गिन रहे हैं 70 कनाल 90 कनाल 80 कनाल, तो नाम बता दीजिए ना, नाम भी बता दीजिए, शायद सरकार की नज़रों से ये ओझल हो जाए। बिल्कुल, सरकार से भी मैं बड़ा हूं। अरे भैया, सरकार ने जो एदाद-ओ-शुमार कुछ दिन पहले हमने देखा, एक स्टोरी आई थी जिसमें खाली 16 कुनाल दिखाया गया था, जो सबसे ज्यादा लैंड ग्रैबर दिखाया गया था, कोई सज्जाद किशलू नाम से एक मिनिस्टर एक है, उसका नाम वो कोई है, बिल्कुल फिलहाल नहीं, आपकी नजर के अंदर सुनिए कोई अगर गुप्ता जी मेरी बात सुनिए, वहाँ पर यार बोल रहा हूँ, वहाँ पे दिखाया गया है सज्जाद किचलू कोई नहीं है, मंत्री है, एक्स मंत्री बोलो ना उसको, किश्तवाड़ के एक्स मंत्री है सज्जाद किचलू साहब, जिनका लिस्ट में नाम भी आया है, सरकार ने शायद इन लोगों, जो कि गुप्ता साहब के कहने के मुताबिक नाम है यहाँ पर 90 कनाल 80 कनाल 70 कनाल, इन लोगों के नाम क्यों नहीं आए लिस्ट में? आएंगे, कैसे देखेंगे? आएंगे कब तक? आएंगे उनके चौराहे पर लगेंगे, आपको भी नजर आएंगे, बिल्कुल पैसे वालों को भी मिलेंगे, इंतजार करो ना, कोई तो आया, बिल्कुल, अरे इतनी सरकारें थी, किसी ने दम भरा नहीं? भरा, कोई तो आया, आप उसका नाम नहीं लेते, आप एक रोज एक नई ट्यून चलाते हैं, ये गरीब, ये मजरूम, ये गुज्जर, जमीन मलने वाला गुज्जर, हिंदू मुस्लिम, ये होता है,
मानते हैं आपकी ये गरीब के नाम पे सियासत खेली जा रही है आज, जो लोग गरीबों को आगे करते हैं आप उसका पार्ट बन करके उसको चला रहे हैं, ये भी एलिगेट कर रहा हूँ आप पर। नहीं, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, आप हमारा मीडिया देखे, हम नहीं कर रहे, हम सीधे बोल रहे। अगर किसी ने आपको, अगर किसी ने किचलू का नाम लेने के लिए 15 मिनट लग गए, आपने किचलू का नाम लेने के लिए, जब मैं बोला, मैंने तो यहाँ से बोला नाम, आपने तो नहीं बोला, आप तो एक भी नाम जाहिर नहीं कर रहे। मैंने, मुझ में तो हिम्मत है, मैं किसी का नाम बता रहा हूँ, आप तो एक, आप में तो हिम्मत ही नहीं है, आप किसी का नाम थे वहाँ, कम से कम भी 100 प्रेस वाले थे। किसी ने चलाया आपका? सबने चलाया, नाम आ गए उसमें, सब आए। आज क्या दिक्कत है नाम बताने में? बताएंगे, वो मेरी मर्जी है। मैंने तो एक नाम बता दिया, आप भाई साहब, वो आप थोड़ा मुझे, मैंने जब उनका एरिया क्षेत्र बोल, आपने कहा नाम बताया, आपने कहा 11 मरले वाला, मैंने मंत्री बोला, आपने कहा बोला, आप तो यहीं से बोला जनाब, मैंने जनाब आप छुपा रहे हैं। नहीं नहीं, हम नहीं छुपा रहे, मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया, खुलेआम बता। अरे भाई साहब, अगर आप खुलेआम बता रहे हैं, हम खुलेआम सामने आ रहे हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं है। बिल्कुल, गुप्ता जी किसी से डरने वाले नहीं है, गुप्ता जी का ये सब कुछ कहना है। आखिर पर गुप्ता जी, आपसे जानना चाहूंगा, उन गरीब लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी, जो गरीब लोग शायद इस आड़ में है कि शायद उनका 2 मलरे का 3 मलरे का मकान जो है ढह जाएगा। कुछ प्रेस के लोग जिनका मोटिव है, जिनके पीछे मंत्री है, मैं एलिगेट कर रहा हूं, कुछ प्रेस के लोग गरीब 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 गरीबों की एक लिस्ट निकालूंगा। अरे भैया, गरीबों की लिस्ट आई नहीं, जिसने 300 कनाल मला है, अगर 5 मरले हों तो कितने गरीब मिला करके तो 300 कनाल बनेगा। क्यों इसको गुमराह करने का आप लोग प्रयास करना चाहते हैं? मैं स्पेसिफिक आपके विषय के अंदर बात नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। कल जो जुलूस निकालने वाले लोग थे, उनमें कितने समर्थक ऐसे थे जिनकी ज़मीनें हैं बीच में, बोलो दर्द क्या है? बठिंडी के अंदर एक कार्यालय है एक पार्टी का, वो उस पर भी वही ज़मीन है। श्रीनगर के अंदर एक कार्यालय है, जम्मू के अंदर एक कार्यालय है, वो दोनों उसी में है, तो कष्ट किसको है? गरीब को? कोई गरीब को कष्ट नहीं होना चाहिए। आपके पास लिस्ट है गरीब की? नहीं आई। फिर क्यों आप गुमराह करते हैं गरीब 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 गरीब? कल जो यहाँ पर कुछ सियासी जमातों ने प्रोटेस्ट किया था इस हवाले से, आपको भी इसकी इल्मियत होगी, आपको भी इसके हवाले से खबर मिली होगी, वहां पर कई सारे लोग आए राजौरी से, पुंछ से। बताओ एक नंबर। मैं वही बोल रहा हूँ, लोग तो उनके साथ थे ना, जमे गफीर तो उनके साथ था। प्लीज, हाँ, वो कौन थे? मैं कृपा करके, मैंने खसरा नंबर बोला, वो अपना खसरा नंबर बोले, मैं वो गरीब है, उसके 2 मरले हैं, उसके विषय में विचार होगा ना। मैं एक ओपन एक लाइन खोल रहा हूँ, जितने गरीब जिनके 2 मरले 3 मरले 4 मरले है, वो बताएं, हम उनके लिए, उसके विषय में विचार होगा। लेकिन वो उन गरीबों, उन लोगों को इकट्ठा करके 300 कनाल वाला बच जाएगा। गया इस बार? गया गया, पीला पंजे के साथ जमीन भी नीचे नजर आएगी, अगर ऊपर बड़ी इमारत बनी हुई है, किसी का स्कूल चला रहा है, कोई 5 लाख रुपया किराया ले रहा है। ओहो, अरे पीले वाला हो, नीले वाला हो, सब्ज वाला हो, लाल वाला हो, अब आप क्या समझते हैं इस बात को, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, बचने वाला नहीं है, नहीं है, बचना भी नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए, बचना भी नहीं चाहिए। हाँ, गुप्ता साहब, बचना भी नहीं चाहिए और वो लोग भी बचने नहीं चाहिए। लेकिन गरीब के नाम को उछाल करके, वो लोग करके, सुनिए सुनिए, आखिर पर सुनिए गुप्ता जी, आखिर पर गुप्ता जी सुनिए, जिन लोगों के टेन्यूवर में ये सब कुछ हुआ, ये गलत काम हुआ, आप नहीं मानते, वो डीसी, वो तहसीलदार, वो पटवारी भी चोर है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, बोल दीजिए आज। अरे भाई साहब, आप कैसी बात करते हैं, मुझे ये बात बताओ कि एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यालय, एक पॉलिटिकल पार्टी का, उसकी जमीन 2 कनाल, प्राइम लैंड, बिल्कुल, उस पर बिल्डिंग बन गई, बन गई, और रसीद किसी दूसरे बंदे के पैसे जमा हुए दूसरी जमीन के, उसके साथ लगा दी गई। अरे क्या बात करते हैं आप बड़े नीचे खड़े हैं, आपको जानकारियां बड़ी कम हैं। अरे रसीद भी नहीं कटाई उस पार्टी ने, उसने रसीद किसी के उधार ले ली, उस पर अपना नाम दर्ज कराया, फिर उसको दे दी गई। ये जानकारी है आपको? नहीं है। बिल्कुल। तो मैं कहना चाहता हूं, जिस गरीब के विषय के अंदर की बात को आप लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं,
उसका चिंतन होगा। पहले गरीब तो पता लगे कितने हैं, लेकिन गरीब की आड़ के अंदर सोने के तख्त पर सोने वाले, सोने के चिमचे में खाने वाले की खैर नहीं है, अब बचने वाला नहीं है। अब गया, इस बार आनंद ले लिया, इस बार जब गया तो कौन लोग हैं ले जाने वाले, किसके कारण गया, कोई दम तो रखता? बिल्कुल, वो मेहता ने रखा, इस सिन्हा ने रखा, कोई नहीं बचने वाला, मैंने कह दिया आपको, पीले वाला भी नहीं बचेगा। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये थे गुप्ता साहब जो कि डोगरा फ्रंट के लीडर है, इनके कहने के मुताबिक आपने सुना कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगर किसी में हिम्मत थी तो वो मनोज सिन्हा में हिम्मत थी, जिसने अपनी हिम्मत जो है आज दिखा दी।